नंबर 4। दोस्तों अब तक तो हम यही जानते आए हैं कि दुनिया में जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यूमाइस एक ऐसा पत्थर है जो कभी भी पानी में डूबता नहीं। पानी में डालने के बाद भी ये पत्थर हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। पानी के ऊपर तैरते रहने की वजह ये है कि प्यूमाइस का निर्माण लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में काफी तेजी से हो गया था। ये प्रोसेस इतनी तेजी से हुआ कि इसे क्रिस्टलाइज होने का मौका ही नहीं मिला। सॉलिडिफाई होने के बाद इसमें मौजूद वेपोरस रिलीज हो गए जिससे इस पत्थर का मास कम रह गया और ये पानी के ऊपर भी तैरने लगा। नंबर 9। क्या आप उल्लू के साथ बैठकर कॉफी पीना चाहोगे? नहीं भाई, मैं आपके दोस्त की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं रियल उल्लू के साथ बैठकर कॉफी पीने का पूछ रहा हूँ। दरअसल जापान में एक ऐसा कैफे है जहाँ आने वाले कस्टमर्स को उल्लू के साथ बिठाया जाता है और फिर उन्हें उल्लू के साथ खेलने का मौका भी दिया जाता है। हाराजुकु शहर में मौजूद इस कैफे के सारे उल्लू ट्रेंड है और इंसानों से फ्रेंडली बिहेवियर करना जानते हैं। उल्लुओं की वजह से ही ये कैफे काफी मशहूर हो चुका है। नंबर 8। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसानों के अलावा जानवरों में भी वोटिंग सिस्टम होता है? वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते शिकार पर जाने से पहले अपने झुंड में ही वोटिंग करते हैं और जो पक्ष जीत जाता है फिर पूरा झुंड उसी के द्वारा चुनी गई जगहों पर शिकार के लिए जाता है। ये कुत्ते छींक कर अपना अपना वोट डालते हैं। अगर झुंड के ताकतवर और प्रभावी कुत्ते ने पहले छींक दिया तो फिर 2 से 3 और कुत्तों के छींकने के बाद ही पूरा झुंड शिकार पर निकल जाता है। लेकिन अगर किसी सामान्य कुत्ते ने पहले छींका हो तो फिर उस सामान्य कुत्ते को अपनी मर्जी चलाने के लिए 10-12 कुत्तों के वोट यानी छींक की जरूरत पड़ती है। नंबर 7। मॉल गए और मिरर सेल्फी नहीं ली तो क्या खाक मॉल गए? वेल, मिरर सेल्फी फोटोग्राफी की दुनिया का ऐसा ट्रेंड है जो स्मार्टफोन के आने के बाद ही अस्तित्व में आया। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर हाँ तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मिरर सेल्फी स्मार्टफोन के आने से लगभग 1 सदी पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। यकीन नहीं आ रहा तो इस तस्वीर को देखिए। ये मिरर सेल्फी आज से लगभग 100 साल पहले जापान के एक फोटोग्राफर ने अपनी पत्नी के साथ ली। नंबर 6। मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में अपना शासन चलाने वाले एस्टेक एम्पायर के दौरान में वैसी महिलाओं को योद्धा के बराबर सम्मान नहीं दिया जाता था जिनकी मौत बच्चे के जन्म देते समय हो जाती थी। इन महिलाओं का अंतिम संस्कार वैसे ही किया जाता था जैसे युद्ध में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार होता था और इन्हें वो सारे सम्मान दिए जाते थे जो सैनिकों को मिलते थे। नंबर 5। दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी माने जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों की वजह से साल 1355 में पूरे ऑक्सफोर्ड शहर में दंगे फैल गए थे। दंगे की शुरुआत तब हुई जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स एक शराब खाने में शराब पीने गए। वहाँ उन्हें वाइन का टेस्ट पसंद नहीं आया जिसके बाद इन दोनों ने शराब खाने के मालिक से बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते ये बहस हाथापाई और फिर हाथापाई लड़ाई में और आपस की ये लड़ाई दंगे में बदल गई। एक और ऑक्सफोर्ड शहर के सारे लोग वहीं दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग दोनों ओर से लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू किया। ये भयंकर दंगा 3 दिनों तक चला। इस दंगे में शहर के 30 लोग वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 63 लोग मारे गए। नंबर 4। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने अलगाय की मदद से एनर्जी जनरेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अलगाय से पैदा हुई एनर्जी की मदद से रिसर्चर्स एक माइक्रोप्रोसेसर को लगातार 1 साल तक चलाने में कामयाब रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ पानी और धूप की जरूरत पड़ी। इन दोनों की मदद से ही अलगाय फोटोसिंथेसिस के जरिए धूप से एनर्जी पैदा करता है। नंबर 3। 20वीं सदी की शुरुआत में पेरिस में मौजूद कैफे डीला रोटोंडी में वैसे आर्टिस्ट जिनके पास पैसे की कमी होती थी उन्हें भी इस कैफे में आकर खाने पीने की इजाजत होती थी। बदले में उन्हें बस अपना कोई आर्ट वर्क इस कैफे को देना होता था। उस दौर में बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ आने लगे और कैफे डीला रोटोंडी की दीवारें शानदार आर्ट वर्क से भरने लगी। 20वीं सदी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट माने जाने वाले पाब्लो पिकासो भी इस कैफे में आया करते थे और बदले में अपना आर्ट वर्क दे जाते थे। उस दौर में सिर्फ खाने पीने के एवज में जितने भी आर्ट वर्क इस कैफे को मिले आज उन सभी की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। नंबर 2। अब तक तो रोबोट्स सिर्फ इंसानों की तरह बातें ही करते थे, लेकिन अब रोबोट्स इंसानों की तरह ही टच को फील भी कर सकते हैं। रोबोट्स को ये सेंस ऑफ टच आर्टिफिशियल स्किन की वजह से मिला है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसी आर्टिफिशियल स्किन विकसित की है जो टच को फील कर सकती है। नंबर 1। राजस्थान के किले महल हवेलिया का शिल्प की तो बेशक पूरी दुनिया कायल है, लेकिन इन दिनों राजस्थान के जैसलमेर का एक स्कूल चर्चा में है। ये स्कूल जैसलमेर में कनोई गांव में है। मिली जानकारी के अनुसार राज परिवार के रत्नावती भाटी के नाम पर ये गर्ल्स स्कूल है। तपते रेगिस्तान में बनी ये बिल्डिंग वास्तुकला की बेजोड़ बेमिसाल है। गर्मी से बचने के लिए इसमें कोई एसी नहीं है, पर बनावट एसी की जालीदार दीवारें और हवादार छत विपरीत मौसम में भी सुकून देती है। इस अंडाकार इमारत में लड़कियों के पढ़ने के लिए सब इंतजाम है। मकसद है निर्धन लड़कियों को शिक्षा के जरिए बढ़ावा देना। बिल्डिंग डिजाइन डायना के लॉग आर्किटेक्ट्स फर्म ने किया है। एक एनजीओ की वजह से ये संभव हो पाया है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।